आप सभी का स्वागत हमारे एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगा कुछ नहीं लेकिन दिखाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ पर जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी में मंदिर सजाया गया है बढ़िया सती, और वो मंदिर दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तभी से जन्माष्टमी मनाया जाता है। उसके पहले आपको बता दूं कि जो कृष्ण भगवान की माता जी है जिनका नाम देवकी था, वो कंस की बहन थी। जो मथुरा के राजा था उसके बेटे का नाम था कंस, कंस की चचेरी बहन थी ये, और चचेरी बहन थी। इनसे ज्यादा मतलब प्यार ज्यादा करते थे, बहन भाई में बहुत ज्यादा प्यार था इनको। लेकिन इन्होंने जब शादी करने की है इनकी वासुदेव जी के साथ, फिर इनको जब मतलब कि शादी विदाई कर रहे थे तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र आपका मतलब कंस का वध करेगा। फिर इन्होंने क्रोध करना मतलब अत्याचार करना ज्यादा शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने इनके सात पुत्रों को तो वध कर दिया था, और आठवें जब कृष्ण भगवान जन्म लिए तो आप सभी को पता ही होगा कि बेड़िया सारी टूट गई थी। तो और सभी लोग सो गए थे, जो द्वारपाल थे मतलब कि रखवाली कर रहे थे वो सो गए थे। तभी वासुदेव जी इन्हें ले जा करके गोकुल में ले गए थे। तो वो तभी से जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो आज की जन्माष्टमी में दिखाऊंगा कि मंदिर कैसे मतलब सजाए हैं सारा कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। ये डीजे मास्टर है भैया, देख तनी डीजे मास्टर है। आ, कपड़ा ना है तन पर, देख ले ये डीजे मास्टर है। अब इनका देख ले तनी, डीजे मास्टर है, देख ले नीचे से ऊपर तक। आज इन्हें के डीजे बाजी। आज यहाँ कहाँ है हो? मंदिर सजी है, आज जन्माष्टमी है। भाई कह रहा है तो आप सबके सपोर्ट से मतलब सज गए हैं मंदिर। आप शाम को पूरा जन्माष्टमी का पूरा प्रोग्राम होगा, गायक गाना बजाना सारे मतलब भजन वाले आएंगे। तो बाकी शाम को भी वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करूंगा, तो देख लेना। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिए कि कैसा वीडियो लगा। जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप देख सकते हैं कि मंदिर पूरा सज गया है। दिनेश भाई सजाए, दिनेश इधर आओ, आओ दिनेश इधर आओ। नहीं तो आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और तो आज यहाँ पर जैसा आप जानते हैं कि भगवान का जन्म है, ये हमने नैतिक नैतिक भैया आप भी देख चुके हैं एक बार ब्लॉग में देखे होंगे। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, ऐसे हाथ हिला के ऐसे ऐसे कहो हाय। वीडियो जरूर लाइक करना, ऐसे बोलो। कहा यहाँ भोलेनाथ की मंदिर है, तो यहाँ पर दीपक इधर आओ, इधर आओ, यहाँ यहाँ पे इधर आओ दीपक। हाय करो अभी दिखाई। तो अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप स्क्रीन पे आईडी दिख रही होगी, तो आप जाकर के वहाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मंदिर सजाई है, आज जन्माष्टमी है, भोलेनाथ की मंदिर है। यहाँ पर नीचे दिखा दीजिए शिवलिंग यहाँ पर है रखा हुआ है, और बाकी देख लीजिए कितना सुंदर सजाया हुआ है। सभी लोगों का मेहनत है यहाँ पर। तो आज कृष्ण भगवान का जन्म है, ये फोटो देख लीजिए कि कितना बढ़िया है। कृष्ण भगवान का जो जन्म के बाद लेकर जाते हैं वासुदेव जी। बाकी का प्रोग्राम शाम को दिखाया जाएगा, फिलहाल प्रोग्राम बहुत ज्यादा शाम को होगा सारा। भाग रहे, भाग, बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, बच्चे हैं नैतिका है। देखो कि हो बाकी देखो कैसे है, देख लीजिए कितना सुंदर है सजाया हुआ है। आज बरसात भी है, बारिश हो रहा है। हटो हटो, ठीक है। दिनेश आए, दिनेश आप दिनेश से मिलने पहले, दिनेश दिनेश से मिलो पहले, बोलो बोलो कुछ यार। वीडियो हाय तो कह दे। हाय हाय, मेहनत कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं यहाँ पर। ऊपर ध्रुव बैठे हैं, देख लो ध्रुव भैया, ध्रुव हाय कह दो। हाय ईटा ने मार दिया, देखो ईटा फेंक जाता है, ईटा रखी है तब देखे या देखो कैच करिए, फिर करे कैच करो, कैच करो, देखाई कैच करो,
ये आप देखो इस मेहनत भगवान इनको और आगे बढ़ावे ऊपर तक ले जाए।